रमजान मुबारक हो, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक हो, रमजान मुबारक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी हो गया, उसने ईमान की लज्जत को पा लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुसलमान होने के बाद अपने असली बाप के सिवा किसी और को अपना बाप बनाया तो उस पर जन्नत हराम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फर्ज नमाज का छोड़ देना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसीबत के वक्त चिल्लाने वाली, बाल मुड़ने वाली और ग्रेबान फाड़ने वाली औरतों से नाराजगी जाहिर की है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह ताला तीन किस्म के आदमियों से बात नहीं करेगा और ना ही उनको गुनाहों से पाक करेगा और ना ही उनकी तरफ रहमत की नज़र से देखेगा और उनको दर्दनाक अजाब होगा। नंबर एक, बूढ़ा जिना करने वाला। नंबर दो, झूठ बोलने वाला बादशाह। नंबर तीन, तकब्बुर करने वाला फकीर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के नज़दीक अल्लाह ताला यमन की जानिब से एक हवा चलाएगा जो रेशम से भी ज्यादा मुलायम होगी और वो हर शख्स को मौत की नींद सुला देगी जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान पाया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए उन बुरे ख्यालों को माफ फरमा दिया है जो सिर्फ दिल में आए जब तक वो जुबान से ना कहे या वो बुरा अमल ना करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर के साथ ककड़ी खाते हुए देखा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरें लाई गईं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खजूरों को तकसीम फरमाने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठे हुए थे कि जिस तरह कोई जल्दी में बैठता है और आप उन खजूरों में से खा भी रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने साथियों से इजाजत लिए बगैर दो दो खजूरों को मिला करके ना खाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में खजूरें हों वो लोग भूखे नहीं होते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह को मदीना मुनव्वरा की 7 अजवा खजूरें खा ली उसको उस दिन कोई जहर और जादू कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा आलिया में शिफा है, सुबह के वक्त अजवा खजूर का इस्तेमाल करना त्रियाक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुहम्बी उस गिजा की एक किस्म है जो बनी इसराइल पर नाजिल हुई थी और उसका पानी आँखों के लिए शिफा है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई खाना लाया जाता तो आप उसमें से खाते और जो बच जाता उसको मेरे पास भेज देते। एक दिन आपने मेरे पास खाना भेजा जिसमें से आपने बिल्कुल नहीं खाया था क्योंकि उसमें कच्चा लहसुन था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या ये हराम है? आपने फरमाया, नहीं, लेकिन मैं इसको इसकी बदबू की वजह से नापसंद करता हूँ। मैंने अर्ज किया, जो आपको नापसंद है वो मुझे भी नापसंद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया में शराब पी वो आखिरत में शराब से महरूम रहेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बर्तनों को ढाको और मशकों का मुंह बांध दो क्योंकि साल में एक रात ऐसी आती है जिसमें वबा नाजिल होती है और उस बर्तन और मश्क में घुस जाती है जो ढके हुए ना हो या जिनका मुँह खुला हुआ हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल में जमजम का पानी लेकर खड़े होकर पिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी मिला हुआ दूध पेश किया गया। आपकी दाईं जानिब एक देहाती बैठा हुआ था और बाईं जानिब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे। आपने दूध पीकर देहाती को दिया और आपने दो मर्तबा फरमाया, दाईं तरफ से शुरू किया करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर काम के वक्त तुम्हारे पास शैतान आ जाता है, यहाँ तक कि खाने के वक्त भी आ जाता है।
अब तुम में से किसी शख्स का लुकमा गिर जाए तो उस लगी हुई मिट्टी वगैरह को साफ करके वो लुकमा खा ले और उसको शैतान के लिए ना छोड़े। जब खाने से फारिग हो तो अपनी उंगलियों को चाट ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि उस खाने के कौन से हिस्से में बरकत है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दर्जी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की और कुछ खाना तैयार किया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस दावत में गया। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जौ की रोटी और शोरबा पेश किया जिसमें कद्दू और गोश्त था। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले में से कद्दू तलाश कर रहे हैं। मैं उसी दिन से कद्दू से मोहब्बत रखता हूँ।